बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उर्दू क्या सूर लेक्चर 17, सवाल नंबर 321 तक 340। सवाल नंबर 321, वाओ मादुल्ला से क्या मुराद है? वो वाओ जो लिखी जाए मगर पढ़ी ना जाए उसको वाओ मादुल्ला कहते हैं। सवाल नंबर 322, चांद नगर किसका मजमुआ कलाम है? सैयद मोहम्मद जाफरी। चांद नगर सैयद मोहम्मद जाफरी साहब का मजमुआ कलाम है। सवाल नंबर 323, मौलाना हाली की तसनीफ हयात जवेद पहली बार कब शाया की गई? 1901 में। मौलाना हाली की तसनीफ हयात जवेद जो सैयद अहमद खान के बारे में है, ये 1901 में पहली बार शाया की गई। और इसी तरह हयात सादी 1883 में शाया हुई। सवाल नंबर 324, इलामा इकबाल के शाहीन की सबसे अहम बात क्या है? बुलंद परवाजी। इलामा इकबाल के शेरों में शाहीन का जो अक्सर जिक्र मिलता है उसमें उसकी सबसे अहम खसूसियत उसकी बुलंद परवाजी है। सवाल नंबर 325, तसद्दक हुसैन नून मीम राशिद यानी नजर मोहम्मद राशिद और मीरा जी में क्या कदर मुश्तरक है? आजाद नजम। ये सब राइटर्स आजाद नजम के बानी हैं। सवाल नंबर 326, हरचंद उर्दू में बहुत कम सरमाया छोड़ा है मगर कितना ऊंचा मकाम पाया, ये अल्फाज रशीद अहमद सदीकी के किस के बारे में हैं? पतरस बुखारी साहब के बारे में ये अल्फाज रशीद अहमद सदीकी साहब के हैं। सवाल नंबर 327, असलम शुतर बेमुहार है, इस जुमले में इसमें इलम की कौन सी किस्म इस्तेमाल हुई है? कनाया, यानी कि कनाया का मतलब है छुपे लफ्ज़ों में कोई इशारे के तौर पर कोई चीज़ बयान करना कनाया कहलाती है, और शुतर बेमुहार असलम को कहा गया है, ये कनाया की एक किस्म है। सवाल नंबर 328, आनंदी किसका नावलट है? गुलाम अब्बास। आनंदी एक नावलट है और ये गुलाम अब्बास साहब का है, इस तरह ओवरकोट भी गुलाम अब्बास साहब का नावल है। सवाल नंबर 329, चहार शंबा कौन सा दिन है? बुध। चहार शंबा बुध को कहते हैं क्योंकि ये फारसी का जो हफ्ता है यक शंबा यानी हफ्ते से शुरू होता है, और इस तरह दो शंबा इतवार और तीन शंबा इस तरह से आगे चलते हैं, तो चहार शंबा जो है वो बुध बनता है। सवाल नंबर 330, इलामा कवायद की रूह से क्या है? लकब। इलामा जो है ये कवायद की रूह से लकब है। सवाल नंबर 331, तशबीब किस सनफ शायरी का जज्व है? कसीदा। तशबीब कसीदा का एक अहम जुज़ है। सवाल नंबर 332, कदम लेना का क्या मतलब है? तज़ीम करना। कदम लेना का मतलब है तज़ीम करना, इज्जत करना। सवाल नंबर 333, शशपंज में पढ़ना कवायद की रूह से क्या है? मुहावरा भी है और रोज़मर्रा भी। शशपंज में पढ़ना कवायद की रूह से मुहावरा और रोज़मर्रा दोनों ही है। सवाल नंबर 334, नूरुल लुगात के मुसन्निफ हैं मौलवी नूरुल हसन नय्यर। नूरुल लुगात के मुसन्निफ मौलवी नूरुल हसन नय्यर साहब हैं। सवाल नंबर 335, जुज़ो ला नफिक का क्या मानी है? वो हिस्सा जो अलग ना किया जा सके, यानी इंग्लिश में इसे इंटीग्रल पार्ट कहते हैं। जुज़ो ला नफिक का मतलब है वो वाला हिस्सा जो बहुत ही ज़रूरी हिस्सा हो जिसको अलग ना किया जा सके। सवाल नंबर 336, खातर निशान होना एक मुहावरा है, इसका क्या मतलब है? बात का दिल में बैठ जाना। खातर निशान होना का मतलब है बात का दिल में बैठ जाना। सवाल नंबर 337, रजाइयत एक अदबी इस्तलाह है, इसका क्या मफहूम है? उम्मीद और मस्बत रवैया। रजाइयत का मतलब है यानी कि इसे आप कह सकते हैं ऑप्टिमिज्म, उम्मीद और मस्बत रवैया को उर्दू में ऑप्टिमिज्म को रजाइयत कहते हैं। सवाल नंबर 338, बसा औकात की तरकीब का क्या मफहूम है? अक्सर औकात। बसा औकात का मतलब है अक्सर औकात, ऑफन। सवाल नंबर 339, चिराग सहरी की तरकीब उर्दू में किन मानों में राइज है? करीबुल मरक। चिराग सहरी बुझने के करीब जो चिराग होता है उसे हम कहते हैं, और इसका मानी जो लिया जाता है वो है करीबुल मरक, बंदे को चिराग सहरी कहते हैं। क्वेश्चन 340, तजाहल अरफाना से क्या मुराद है? जानबूझ कर अनजान बनना। तजाहल अरफाना का मतलब है जान बूझ कर अनजान बने रहना। तो ये था जी लेक्चर नंबर 17 उर्दू का। मिलते हैं लेक्चर नंबर 18 में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।